लगी हुई है, पहले कॉप यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स, ए वो एंड अभी गोलमाल यूनिवर्स, या फिर देखते हैं कि वो लोग कौन सा नाम देते हैं। देखो रोहित शेट्टी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अच्छी खासी चलने वाली फिल्म कैसे बनानी है जिसे हर एज ग्रुप के लोग इंजॉय कर पाए, चाहे फिर वो बच्चे हो, यूथ हो या फिर हमारे पेरेंट्स। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ना तुम बहुत ज्यादा दिखा सकते हो ना बहुत कम, क्योंकि अगर बहुत कम दिखा दिया तो बच्चों की फिल्म बन जाएगी, तो बहुत संभल के एक कदम लेने पड़ते हैं। जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था मैंने तभी कह दिया था कि ये तो स्टुपिडिटी है कि ट्रेलर में ही सारी चीजें रिवील कर देना, पर मैं गलत था, क्योंकि अगर गोलमाल वाला एंगल उन्होंने ट्रेलर में नहीं दिखाया होता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मूवी की कोई बात भी नहीं करता। पर क्या ये मूवी गोलमाल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है? रुको बताता हूँ, पहले और भी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सर्कस मूवी में बहुत से एक्टर्स हैं, पर लीड में है रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े एंड जैकलिन फर्नांडिस और वरुण भी। बाकी सारे ट्रेलर या गूगल पे देख लेना, क्योंकि बहुत सारे साइड एक्टर्स है। ये रोहित शेट्टी की फिल्म, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी हाँ ट्रेलर देखने के बाद भी, पर मूवी बहुत मीडियोकर है। मूवी का टाइम सेट है बहुत पुराने समय पे, मतलब जब थोड़ी सी अलग करेंसी थी, कोयले वाली ट्रेन चलती थी उस टाइम पे। इस मूवी का प्लॉट कुछ नया नहीं है, वही दो जुड़वा बच्चे, यहाँ पे चार है और फिर पिछड़ जाना, एक को मुक्का मारोगे तो दूसरों को लगना, सेम कॉन्सेप्ट। देखो इससे ज्यादा बता के मैं चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहता, वैसे कुछ है भी नहीं स्पॉइल करने लायक। फिर भी देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मूवी बहुत गंदी है, मैं बॉलीवुड का हेटर हूँ, बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, नहीं। मूवी ठीक ठीक है पर वैल्यू फॉर मनी या हाइप नहीं है। मूवी की स्टोरी ज्यादातर टाइम आगे ही नहीं बढ़ती, जितनी हमने ट्रेलर में देखी है उतनी ही है, ज्यादातर टाइम हम कुछ सरप्राइज भी नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है मूवी। और इस मूवी की एंडिंग दिमाग खराब कर देती है, इससे घटिया एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब देखो जो उन्होंने आखिर में बताया है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो लोग अच्छा बताना चाहते थे कि बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए एंड ऑल, पर स्टोरी के साथ कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। तो अभी बात कर लेते हैं इस मूवी के कॉमेडी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवी को सिर्फ कॉमेडी की वजह से देखेंगे। तो देखो कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव होती है, पर मैं इस मूवी में हार्डली एक या दो बार हंसाऊंगा, वो भी शायद से पीयर प्रेशर में, क्योंकि मेरे बाजू में आया हुआ था लड़कियों का झुंड एंड वो बहुत ज्यादा हंस रही थी कॉमेडी के ऊपर, तो ऑकवर्ड नहीं हो जाता थोड़ा सा, तो मैंने भी थोड़ा सा हंस दिया। मैं बताता हूँ इस मूवी में किस टाइप की कॉमेडी है, आड़ी तीड़ी शक्लें बनाना, दौड़ना, स्लो मोशन एंड किसी को मारना, मतलब एकदम पुराने फिल्मों वाली। और 2022 में ऐसी कॉमेडी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि बस उन लड़कियों को छोड़ के और कोई भी हंस नहीं रहा था, क्योंकि उन लोगों को छोड़ के और 7-8 लोग आए हुए थे और उसमें से एक दो चले गए मूवी को छोड़ के। अब मुझे रीजन तो नहीं पता कि कॉमेडी या फिर मूवी की वजह से, पर हाँ उठ के चले गए थे। तो वही है कि कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव होती है, मुझे पसंद नहीं आई, मे बी आपको पसंद आ जाए। मैंने इस मूवी का BGM नोटिस किया, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने फिल्मों के गाने यूज किए गए हैं, मुझे कुछ अच्छे लगे एंड कुछ टिक टिक लगे। और एक BGM तो मुझे चेन्नई एक्सप्रेस के बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ये मूवी बहुत कलरफुल है, ब्राइट है, जैसा कि ट्रेलर में दिखा था, वो एक क्रिएटिव चॉइस हो सकती है, पर एवरीथिंग लुक्स फेक एंड एक पेनी भी ओरिजिनल नहीं लगती, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, ऐसा लगता है कि सारी फिल्म की शूटिंग किसी सेट पे की गई है। तो ये थे इस मूवी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मेरे ओपिनियन में इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को थिएटर तक खींच पाए। हाँ गोलमाल वाला एंगल उन्होंने दिखाया था, पर वो एकदम थोड़ा सा है, उतना ही जितना हमने ट्रेलर में देखा था, एंड बस वो क्लिप लगाई एंड मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही लगी कि मूवी बहुत मीडियोकर बन के रह जाती है, ना इधर ना उधर, ना ज्यादा कॉमेडी है ना एक्शन है, कुछ भी नहीं, बहुत मीडियोकर। एक्टिंग की मैंने बात करी ही नहीं, क्योंकि ऐसे मूवीज में इंटेंशनली ओवर एक्टिंग की जाती है हंसाने के लिए। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन सर्कस, आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, एंड यहाँ पे मेरे बाकी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। एंड लास्टली थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।